नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। छतरपुर में हनुमान टोरिया मंदिर पर आयोजित होने वाले प्रतिमाह के निशुल्क नेत्र शिविर परीक्षण शिविर में इस बार 300 से ज्यादा मरीजों ने अपनी आंखों का उपचार कराया। आपको बता दें कि हनुमान टोरिया सेवा समिति के द्वारा हर महीने इस शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार का शिविर स्वर्गीय अनिल असाटी की स्मृति में आयोजित किया गया था। हनुमान टोरिया सेवा समिति की ओर से बताया गया कि चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय से आई डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया। हनुमान टोरिया समिति है, वो प्रति माह की 26 तारीख को नेत्र शिविर लगाती है। इस बार दीपावली की वजह से 30 तारीख को लगाया गया है और ये बहुत ही नेक काम हनुमान टोरिया कमेटी करती है और भगवान की कृपा से ये कार्य हमेशा चलता रहे। इस बार हमको ये सौभाग्य मिला। हर वर्ष एक बार टोटल 12 शिविर लगते हैं, उसमें एक शिविर हम कोशिश करते हैं कि हर वर्ष एक बार हमको भी ये सौभाग्य मिले। इस बार हमने अपने स्वर्गीय भाई अनिल कुमार की स्मृति में ये शिविर लगवाया है और करीब 400-500 मरीज आते हैं और उनका नेत्र का परीक्षण होता है। जिन्हें मोतियाबिंद है उन्हें हनुमान टोरिया समिति और सदगुरु नेत्रालय चित्रकूट वाले निःशुल्क रूप से चित्रकूट ले जाते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं, आने जाने का खर्चा भी वही देते हैं और बहुत ही पुण्य का काम है। छतरपुर के जो बड़े व्यापारी बंधु हैं, जो संपन्न लोग हैं और जिनकी धर्म के प्रति आस्था है, ऐसे लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो कम से कम 2 साल में एक शिविर अपनी तरफ से आयोजित करें, अपने माता पिता के नाम से, अपने परिवार के नाम से, विवाह की तिथि के लिए, जन्म तिथि के लिए, पुण्य तिथि के लिए जरूर करें। इससे जो निर्धन हैं, अपात्र लोग हैं, उनको उनके नेत्रों का इलाज मिलता है और ये परमात्मा का काम भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से संपन्न होता है। इस शिविर में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से डॉक्टर विनीत जी ने यहाँ पर लगभग 200 से अधिक लोगों के पंजीयन किए हैं और जिनमें से 60 मरीज अभी तक चिन्हित किए गए हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए। इन मरीजों को चित्रकूट ले जाया जाएगा और वहाँ उनका ऑपरेशन होगा और उनको लेंस डालकर घर वापस भेजा जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि यदि किसी कारणवश इस शिविर में जो भी मरीज ना दिखा पाए हैं तो 26 दिसंबर को ये पुनः शिविर आयोजित किया जाएगा। तो आप सभी सम्मानीय मरीजों, नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों से आग्रह है, आमंत्रित हैं आप लोग। और ये शिविर हमने बताया ना कि अनिल असाटी, स्वर्गीय अनिल असाटी की पुण्य स्मृति में ये शिविर लगाया गया था। उनके पिता शिवचरण असाटी और उनके भाई सुनील असाटी जी के सहयोग से। पेप्टिक टाइम पर इस वक्त इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आप तमाम खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.peptictime.com पर जा सकते हैं। साथ ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को फॉलो कर लें ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।